क्वेश्चन गेट 2011 के अंदर 1 मार्क्स के लिए आया था, और अगर आप पूछेंगे तो कि ये क्वेश्चन क्यों लिया है, बहुत सिंपल लग रहा है, पर यहाँ पर आपके लिए क्यूआर कोड के अंदर क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं बताता हूँ कि क्या डाउट हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि फेज वेलोसिटी क्या होगी, और उसके लिए बहुत सीधा सा फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि यहाँ पर सबसे पहले चीज़ तो डिस्टेंस देर की वेव के अंदर 2 मिलीमीटर, तो आपको पता है कि जो पाथ डिफरेंस है वो आपको देर का है कितना, 2 मिलीमीटर। तो हमें पता है कि सर जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है सर, फेज डिफरेंस हमेशा होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस अब इसमें कितना दे रहा है, ये बोला कि π/4 का फेज आता है इस वेव के अंदर, पाथ डिफरेंस इसने दे ही दिया, लेमडा की वैल्यू इसने दे ही दी, तो 2 मिलीमीटर, 2 × 10⁻³। लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, लेमडा की वैल्यू है c/f जो 3 × 10⁸ × 10⁻¹। 10 GHz का मतलब क्या होता है, 10⁻¹, इसका मतलब आपको जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है सर, 3 सेंटीमीटर ही बोल सकते हो आप, या फिर आप 3 × 10⁻²⁪ ही बोल दीजिए आप, तो 3 × 10⁻²⁪ मिल रहा है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है, ये 3 × 10⁻²⁪ था। तो बस आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, यहाँ पर यहाँ से पूछा गया है फेज वेलोसिटी ऑफ वेव अलोंग द लाइन क्या होना चाहिए। ओह सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपको लेमड़ा निकलेगा इससे, आपको पहले लेमड़ा निकालना है, क्योंकि हमको पता नहीं भी कि ये 3 × 10⁸ है, स्पीड की बात ही नहीं है, आपको पहले लेमड़ा निकालना है, और उस लेमड़ा के साथ आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्या आपके पास वेलोसिटी रही होगी। तो लेमड़ा कितना आ रहा है, देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है, और लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, तो लेमड़ा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 16 × 10⁻³। ये लेमड़ा आ चुका है, ध्यान से देखिए 16 × 10⁻³ आ चुका है। नाउ इस लेमड़ा के साथ अगर हम फेज वेलोसिटी देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अब फेज वेलोसिटी जो होगी, फेज वेलोसिटी वी अपॉन फ्रिक्वेंसी पर निकालें, तो ये लेमड़ा आपके आना चाहिए। तो आपको पता है कि सर जो यहाँ पर आपको मिलने वाला है वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी पता है 10 GHz है, तो वेलोसिटी आपको जो मिल रही होगी वो है 16 × 10⁻³ × 10⁻¹ फ्रिक्वेंसी, जो कि आपको दे रहा है आंसर 1.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने इस क्वेश्चन यहाँ क्यों लिया है, तो हमको भी आ रहा था सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्यू आर कोड क्यों डाला गया है, तो आपको बताता हूँ बहुत सीधे सा कि इस क्वेश्चन के अंदर एक मन में डाउट ही आता है कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमेशा सिंपल वेव की तरह पाथ डिफरेंस हम एज इट इज़ नहीं लेते हैं, 2 टाइम्स करके लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है तो एक्चुअली में आप उसको 2 टाइम्स करके लेते हो 4 मिलीमीटर, क्योंकि वेव दोनों तरफ से आ रही होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 टाइम्स करके लेते हैं। बट यहाँ पर हमने फिर भी सिंपल वेव की तरह ही हमने पाथ जो डिफरेंस है वो 2 मिलीमीटर ही लिया, ऐसा क्यों, क्योंकि आपने एक छोटी सी बात पर, बारीकी बात पर ध्यान नहीं दिया हुआ, इवन बहुत कम, इवन मुझे लगता नहीं कि किसी ने को भी ध्यान दिया, मैंने जितने भी ब्रशेस देखता हूँ इंडिया के अंदर किसी ने छोटी सी बात पर ध्यान नहीं देखा, वही बात है कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 50 ओम दे रखा है, लोड भी 50 ओम दे रखा है। तो आप ये ध्यान से देखें कि यहाँ पर ये जो मैचिंग डिवाइस का एग्जांपल है, और मैचिंग डिवाइस के अंदर आपको क्या मिलता है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग वेव पैटर्न। अगर आपको स्टैंडिंग वेव पैटर्न मिल रहा है तो फिक्स वोल्टेज स्टैंडिंग वेव पैटर्न हो गया, अगर आपको कोई भी एक वेव मिलनी है तो स्टैंडिंग वेव अगर आपको मिल चुकी है तो उस केस के अंदर आपको केवल और केवल पाथ डिफरेंस एक ही तरफ का लेना है, इस बार वेव्स दोनों तरफ से आ रही जा रही इस तरह से नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के अंदर केवल एक ही पाथ डिफरेंस लेना है, उसको 2 टाइम्स नहीं करना है, अगर ये मैचिंग डिवाइस का एग्जांपल है। तो मैचिंग डिवाइस के अंदर आपके लिए सिंपल जैसे वेव होती है, जो आपने 11th 12th में लिखा था वहाँ पर भी आपने ये फॉर्मूला लगाया था, उस टाइम में पाथ डिफरेंस जो देखा होता है उसको आप ऐसे रिलेट करते हो, पर ट्रांसमिशन लाइन में हम पाथ डिफरेंस 2 टाइम्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से वापस हम एक ही बार लेंगे। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा था अगर इसमें एक ऑप्शन 3.2 × 10⁸ भी होता तो, हालांकि वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो रहा है, पर फिर भी एक बार वो देना चाहिए था, या सवाल को ऐसा फ्रेम करना चाहिए था ताकि बच्चे उसमें गलती कर पाते, बट फिर भी यहाँ पर इसी बहाने आपने सीखने को मिला आपको, या मैचिंग डिवाइस से तो आपको जो पाथ डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही बार लेना था, 2 मिलीमीटर है तो 2 मिलीमीटर लेना था, इसको डबल नहीं करना था 4 मिलीमीटर। अगर आपको डाउट है तो आप ऐसे एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं जहाँ पर आप पाथ डिफरेंस को 2 टाइम्स करके ही सवाल सोल्व करते हैं, तो वहाँ पर वो सवाल आपको समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी अभी तो सवाल बहुत सिंपल है और आपका आंसर आपको मिल चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा सा आंसर है 1.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो थैंक यू।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.